verse, please welcome Alok Sharma. Thanks, Luke. Welcome, Sanjay sir. Welcome, Siddhant, Vasu. Hello. How you doing? अरे क्या बोल रही है देख थोड़ा शोर तो करो यार सो बिफोर आई बिगिन लेट मी आस्क यू क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड नागराज सुपर कमांडो ध्रुव एंड डोगा यस सो द क्रिएटर ऑफ नागराज भोकाल डोगा परमाणु एंड आई डोंट नो हाउ मेनी यू नो अमेजिंग कैरेक्टर्स वी ऑल ग्रू अप विद मिस्टर संजय गुप्ता इज विद अस फ्रॉम राज कॉमिक्स एंड देन ऑफ कोर्स यू नो सिद्धांत नीड्स नो इंट्रोडक्शन ही इज एमसी शेर फ्रॉम गली बॉय एंड अदरवाइज ऑल्सो ही इज द लेटेस्ट नेशन हार्टथ्रॉब बट वॉट अ लॉट ऑफ पीपल हियर वोंट बी नोइंग इज सिद्धांत इज अ मैसिव मैसिव राज कॉमिक्स फैन So, before I begin, I would like to ask Siddhant, how was it, you know, growing up in Balia and what role, you know, Raj Comics played in your life? Whenever we say comics, usually DC, Marvel, huge fan of that as well. But this goes back when I was a kid, ek chota sa shahar hai Balia. Toh jab main wahan se train mein chadta tha Bombay aane ke liye, toh so station pe comics milti thi. और वो कॉमिक्स लेके मैं पूरे सफ़र में पढ़ते हुए आता था और वो ख़त्म कर देता था तो वो जो ट्रेन की जर्नी है और मेरा जो बचपन है उसका ये जो मिश्रण है उसके बीच में कहीं मेरी यादें राज कॉमिक्स के साथ और अभी तक वो सारी कलेक्शन है यहाँ पे है कुछ कुछ मेरे गांव में पड़ी हुई है और अपने भाइयों के साथ एक्सचेंज करते थे कॉमिक्स अपने क्योंकि क्या है तब जब छोटा था तो मैं बलिया में था इतनी इंग्लिश आती नहीं थी हिंदी पढ़ता था मैं और हिंदी में कॉमिक्स यही अवेलेबल थी वो जो कैरेक्टर्स थे नागराज डोगा परमाणु सुपर कमांडो ध्रुव उसमें कहीं ना कहीं आई थिंक मैं देखता था जो ये जो मज़ा आता था एक होप आता था एक उम्मीद होती थी कि कोई ना कोई इस दुनिया को बचा लेगा तो बचपन से बहुत खासकर वो यादें जुड़ी हुई हैं और अभी तक हैं वो सारी कॉमिक्स तो ऐसा कुछ रहा है मेरा सफ़र इसके साथ संजय सर वॉज बीमिंग वेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स राइट बिकॉज ऑफकोर्स उन्होंने ये क्रिएट किए थे करीब 30 साल पहले 30-40 साल पहले देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन संजय सर दैट पीपल वुड लाइक टू आस्क यू वॉट वर यू थिंकिंग वेन यू क्रिएटेड नागराज जब आपने परमाणु क्रिएट किया तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था मगर मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन है सो मार्वल यूनिवर्स एवरी वन नोज राइट और मार्वल यूनिवर्स बना इसलिए क्योंकि मार्वल पढ़ने वाले बच्चे एक टाइम के बाद बड़े हो गए उनमें से कुछ एक्टर्स बन गए कुछ राइटर्स बन गए कुछ डायरेक्टर्स बन गए और उन्होंने मार्वल यूनिवर्स की एक सिनेमैटिक रचना कर दी आपको लगता है कि अब हमारे पास सिद्धांत है राइट हमारे पास बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो ये सारी कॉमिक्स पढ़ के यहाँ पहुँचे हैं मैं मेरा नाम भी पिच करूँगा और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कॉमिक्स भी लिखी हैं ये जो नई जनरेशन है जो नई जनरेशन इस समय कॉमिक्स पढ़ के बड़ी हो गई है और वो बोल रही है राज कॉमिक्स से सुपर हीरोज हम सिल्वर स्क्रीन पे कब देखेंगे आपको लगता है वो टाइम आ गया है बिल्कुल टाइम आ गया है अपना टाइम आएगा मतलब आई वांटेड यू टू से दैट अपना टाइम आएगा भी और आ भी गया है चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं आज सिद्धांत हमारे साथ बैठे हैं अपने मन की बात बोल रहे हैं तो नेचुरली आप आलोक जी ये सब चीज़ें कह रहे हैं कि ये अब टाइम आ गया है आप अपने सुपर हीरो इंडियन सुपर हीरोज को सिनेमा में और वेब सीरीज वगैरह में बहुत जल्दी ही देखेंगे क्या बात है सर मैं देखिए डोगा का कलर भी पहन के आ गया हूँ मेरा फेवरेट कैरेक्टर वही है सर यहाँ स्टेज पे अगर सिद्धांत तुमको डोगा का कोई डायलॉग याद है तो वो कानून तोड़ कर करता है कानून की हिफाजत मतलब बचपन में बड़ी हुई याद है इतना एक मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा सा है अपने रजत मिश्रा जी ने लिखा था मैं हूँ डोगा जो कहूँगा करना होगा मैं हूँ डोगा जो कहूँगा करना होगा सो दिस वॉज एक्चुअली अ रॉक सॉन्ग
that there's this band called Vyaktam that has created a song on Doga. But Siddhant, if you have to pick like five favorite superheroes, or maybe three, let's not go five, let's go for three. What are your three most favorite superheroes from you know, Raj Comics table? Definitely Doga pehla hoga, aur Super Commando Dhruv, aur I think Nagraj. और अगर हम बोले कि ये तीन में से तुमको किसी एक के लिए संजय सर को ऑडिशन देना है, मतलब डोगा का कलर तो तुम पहन के आए हो, इंसानियत पर कहर ढाने वाले हैवानियत की ये जिंदा सबूत, क्यों अपनी इन आदमखोर हरकतों से सहले चमन को बर्बाद करने पे तिले हो, आखिर कब तक चुप रहेगी ये जमीन और कब तक खामोश रहेगा ये आसमां, आखिर कब तक, अब तो आ जाओ सर आज पूरे यू नो ही वांट्स टू मेक अ म्यूजिकल सुपरहीरो यूनिवर्स म्यूजिकल सुपरहीरो यूनिवर्स सो बलिया में क्या आप लोग ऐसे किराए की कॉमिक्स लेके आते थे पढ़ते थे मतलब स्टेशन से रिच बच्चे खरीदते थे अरे आई नो तुम बलिया से बॉम्बे आ रहे थे तो खरीद तो रहे थे बट किराए की कॉमिक्स पढ़ रहे थे कि नहीं किराए की कॉमिक्स ली भी है और कभी वापस की भी नहीं ऐसा नहीं है कि ली है सर वापस कर दी है क्योंकि किराए की कॉमिक्स ली जिस दिन मैं जाने वाला हूं मुंबई पवन एक्सप्रेस एक ट्रेन है वहां से निकलती है बलिया से तो उसके एक दिन पहले कॉमिक्स ली और फिर निकल गया और उसके बाद अगले बार जब आया हूँ तो फिर दूसरी दुकान से लिया मैंने ऐसे करके आते कितने लेनदार वहाँ खड़े होंगे मुझे लगता है सो थैंकफुली क्योंकि दुकानें बहुत थी तो ये आप बड़े बड़े पर्दे पे दिखेंगे तो वो दुकानदार बोलेंगे यही था बिल्कुल संजय सर ये बताएं कि डोगा को आपने बॉम्बे पे बेस किया उसके लिए आप कितनी बार बॉम्बे आए या आपने बॉम्बे में एक्चुअली रिसर्च की या एग्जैक्टली क्या फंडा था बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग दिल्ली में बैठ के बॉम्बे की कहानियाँ लिख रहे थे राइट एक्चुअली बॉम्बे तो खैर बहुत कम माना जाना था आते थे लेकिन जितना डोगा की अगर स्टोरीज लिखनी थी उतना हम लोग बॉम्बे नहीं आए थे लेकिन फिर भी जितनी ज़रूरत होती थी उतना हम बाकी जो अपने से बड़े लोग थे उनसे मुंबई के बारे में पता करते थे शुरुआत बॉम्बे से हुई थी और बाद में वो मुंबई बन गया था पिताजी हमारे काफ़ी टाइम से मुंबई आ जा रहे थे तो उनकी बहुत गाइडेंस मिली इस चीज़ के लिए सीधा धुलाई हुई है कॉमिक्स के लिए कभी धुलाई करने की कोशिश तो बड़ी की है लेकिन मैं उनको डॉज भी कर देता था क्योंकि एक्शन कॉमिक्स पढ़ता था तो कई बार मम्मी की वो उड़ती 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 चप्पल आती थी उसको डॉज कर लिया तो कई बार कोशिश तो की है मम्मी ने कि बेटा वो पंगे नहीं देखी अरे कॉमिक्स पढ़ोगे नंबर्स कम आएंगे पढ़ाओगे क्या करेगा तू इंजीनियर डॉक्टर तो बन नहीं पाएगा कॉमिक्स पढ़ता है नहीं तो मैं क्या करता था किताब के अंदर वो कॉमिक्स रख लेता था ना वैसे तो कभी पता नहीं चला कई बार लेकिन एक बार किया था मम्मी ने जितनी भी कॉमिक्स थी वो सारी गाँव में छोड़ के आ गई है वो कुछ मैंने जैसे तैसे बचा के रखी हुई अभी तक सो वॉट इफ हाँ हाँ सेम मेरे साथ था मैं भी अपने बचपन में जो पहले कॉमिक्स आती थी उनको इसी तरीके से हम लोग करते थे किराए की शॉप से जाके पढ़ते थे राइट उन्होंने खैर हम चुरा नहीं पाए लेकिन होता यही था कि छुप के पढ़ना और बुक्स के अंदर रख के पढ़ना ये शायद सभी ने बचपन में किया है एक एक सबसे अच्छी चीज़ है राज कॉमिक्स की जो मुझे लगता है राज कॉमिक्स का साइज क्योंकि संजय सर ने भी ये किताबों के नीचे छुपा के पढ़ी है ना तो राज कॉमिक्स का साइज होता था छोटा वो मार्वल के साइज का होता नहीं था सो वो किताबों में छुपाने के लिए सही साइज की कॉमिक्स ऐसा सोच के डिजाइन की आपने नहीं हो सकता है बहुत ये, कुछ ये साइज बहुत अच्छा है किताबों में छुपा बहुत के कुछ सोचा जाता है और जो हम बचपन में कर चुके थे तो हमें लगा और अगर 1 mm और कम कर दें तो आसान रहेगा सिद्धार्थ फीमेल चाइल्डहुड क्रश अ कॉमिक बुक कैरेक्टर देखिए कॉमिक बुक में तो वैसे ही सारी खूबसूरती निखर निखर के आती है बट ऐसे एक नाम तो नहीं ले पाऊंगा मैं उनका क्या नाम था वो विसर्पी हाँ चंडिका नताशा चंडिका नगीना लड़कियों की कमी नहीं है ना हाँ ममता प्रियंका तो संजय सर मुझे ये बताएं कि जब आपने नागराज क्रिएट किया आई थिंक द ईयर वॉज 1986 राइट
तो नागराज का क्रिएशन जब आप कर रहे थे तो आपको ये उम्मीद थी कि उसके इतने सारे फैंस बनेंगे, इतने साल तक लोग उसको याद रखेंगे? 40 साल करीब उसको हो चुका है आए। 16-17 साल का रहा होगा मैं उस समय। आप 16 के थे जब आपने नागराज क्रिएट किया, ये कैसे हुआ, मतलब आपके इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन थी, मैं बचपन से ही जो भी कॉमिक्स आते थे, अमरजीत का था, इंतजार कॉमिक्स वगैरह जो भी सब पढ़ते थे, हमें बहुत पसंद था वो। और फिर हमने एक बार स्पाइडरमैन देखा टीवी पे, नेशनल चैनल पे, तो हमें लगा कि हमारा अपना एक सुपर हीरो होना चाहिए, जिसे हम लोग कह सकें इंडियन सुपर हीरो। यहाँ से ये सब शुरू हुआ नागराज। और डोगा के लिए आपकी इंस्पिरेशन क्या थी एग्जैक्टली? डोगा के लिए इंस्पिरेशन बहुत कॉमन सी थी, एक ऐसा लगता था कि एक अपने आसपास हो जो कि हमारी रक्षा के लिए आसानी से मौजूद हो, उसके पास बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स ना हो, उस तक पहुंचने के लिए ज़्यादा प्रयत्न ना करना पड़े। तो वो एक ऐसा शख्स है जो कि कमिटेड है सोसाइटी के लिए, कुत्ते का मास्क पहनता है, और वो जो कुत्ते में क्वालिटी होती है कि वो चौकीदारी करता है, रक्षा करता है, जिसको भी वो अपना मान लेता है। तो यहाँ से डोगा शुरू हुआ। सो सिद्धांत, व्हाट डू यू थिंक इफ यू हैव टू प्ले डोगा, आपको ये सारी चीजें आत्मसात करने में कितना टाइम लगेगा? जस्ट इन केस अगर आपको मैंने बोला, अभी तो आपने पहना हुआ है पर्पल कलर, इफ यू हैव टू प्ले डोगा, ये कुत्ते तो वफादारी, ये कुत्ते का मास्क कुत्ते तो मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है, आई लव डॉग्स, और वफादार भी हूँ, डोंट आस्क माय एक्सेस। हाँ वही मैं पूछने वाला। सो सॉरी, कुत्ते को जो पसंद नहीं आता वो उसे खंबोड़ डालता है। सिद्धांत, देखो सुपर हीरोज की बात तो सब करते हैं, राज कॉमिक्स का एक और पहलू है, वो है कॉमेडी कॉमिक्स, राइट? पाकेलाल, गमराज, ऐसा फाइटर टोड्स, फाइटर टोड्स, क्योंकि कोई भी एक्टर ना टोड बनना नहीं चाहेगा तो वो थोड़ा मुश्किल है, और वी हैव अ गुड लुकिंग एक्टर हियर, वो तो मुझे नहीं लगता कि टोड बनने में इंटरेस्टेड कहीं से भी होगा, बट इफ यू हैव टू प्ले अ कॉमिक कैरेक्टर, अ कॉमेडी कैरेक्टर,